हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका अपोनेंट सामने से आके इस तरह अचानक से पकड़ ले पूरा पावर से, तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ। आपका शर्ट या टी शर्ट भी नहीं फटेगा और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने अपोनेंट से इस जगह को छुड़ा सकते हैं। जैसे ही रोड फाइट वगैरह होता है तो इस तरह पकड़ लेता भाई, ये सब होता है, रोड फाइट में ज्यादातर होता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शहाबुद्दीन कराटे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सब देख रहे होंगे कि मैं 2-3 दिन पर वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि आप सब ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप सब लाइक ज्यादा कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप सब लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा दिन पर वीडियो लाता हूँ बोल रहा हूँ मैं। इसलिए आप सब लाइक ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप हर वीडियो की तरह इसी तरह आप इस वीडियो पर भी लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि और भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाता रहूँ। कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो लाऊं मैं आप सबके लिए, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए पहले देख लीजिए यह टेक्निक कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, स्लो करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी सीख सकें और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। दोस्तों, घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉर्मल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, रोड फाइट में कोई पकड़ ले, तो आप आसान तरीके से आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो देखिए पहले कैसा दिखता है, जैसे ही पकड़ ले अचानक से, तो करना क्या है, इस हैंड से आपको करना क्या है, इस हैंड से यहाँ पकड़िए और इस हैंड से आपको यहाँ लेके जा करके इस तरह से आपको दबाना है। उसके बाद ये वाला जो ये है, हैंड को छोड़ करके इस तरह से यहाँ पकड़ लीजिए इस तरह से, और देखिए गिर जाएगा दुश्मन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मारना है पूरा पावर से फेस पंच, ताकि दुश्मन जाना चाहिए हॉस्पिटल, ठीक है। दोस्तों, वैसे तो मैं मार के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चोट लग जाएगा। मेन मकसद है आपको सेल्फ डिफेंस सिखाना। आप बहुत ही आसान तरीके से सीख गए होंगे भाई, मजा आ गया होगा। फिर से देखिए आप इसी टेक्निक को, जैसे ही पकड़ ले इस तरह से अचानक से, तो करना क्या है आपको, पहले आपको इस जगह पर पकड़ना है। देखिए, अब मैं आपको एकदम स्लो सिखा रहा हूँ क्या क्या करना, आपको पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इसलिए पकड़ना है, आप सोच रहे होंगे कि शहाबुद्दीन भाई, जब आप यहाँ पर पकड़ते हैं तो फिर यहाँ पर से छोड़ के आपको इस जगह पर पकड़ना पड़ता है इस तरह करने के लिए, तो यहाँ पर क्यों पकड़ते हैं, आपके माइंड में ऐसा चलता होगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको इसलिए पकड़ना है ताकि आपका जो शर्ट या टी शर्ट रहेगा वो खींच नहीं सके, फटने से बचेगा। तो इस जगह पर पकड़ने के बाद दुश्मन भी हिल नहीं पाएगा। और देखिए, ये सब आपको फास्ट करना होगा, क्योंकि दुश्मन के उस हैंड में लड्डू नहीं रखा हुआ है, ठीक है, वो भी मार सकता है। मैं समझाने के लिए आपको स्लो करके दिखा रहा हूँ। जैसे इस तरह से पकड़े, इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से ला करके, ठीक है। अभी मैं आपको फास्ट भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद करना क्या है, मारना है पूरा पावर से फेस पंच, ठीक है। फेस पंच चाहे तो आप इस तरह मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वैसे तो मारूंगा नहीं। चलिए इसी टेक्निक को एक बार फास्ट देख लीजिए, ठीक है। पकड़ो, जैसे ही पकड़ा, ठीक है, अगर इस तरह छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं छूटेगा और फट भी सकता है, क्योंकि पूरा पावर से पकड़ के रखा है कि नहीं। तो पकड़ ले, करना क्या है, फास्ट आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको गिराना है। देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, आपको इसी तरह से फिर मारना है पूरा पावर से, यहाँ पकड़िए, उसके बाद चाहे तो फेस पर मारिए और नहीं तो यहाँ मारिए, फेस को इस तरह भी करके मार सकते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में और खानदान में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को तो शेयर कीजिएगा नहीं भाई, क्योंकि आपको जलन है कि भाई अगर मैं उनको भेजूंगा तो वो भी सीख जाएगा। तो अपने फैमिली मेम्बर में ही शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख सके, ठीक है। आपका मामा का बेटा, चाचा का बेटा, जिनको भी भेजना है जल्दी से भेज दीजिए इस वीडियो को। और अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए, मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।